Dear students, the sum of two numbers is 16. Sum of their reciprocal is 1 by 3. Find the numbers. So let first number is equal to x, second number is equal to y. Their sum is given equal to 16. So this is the first equation. Sum of their reciprocal. Reciprocal means 1 by x plus 1 over 1 by y is equal to 1 by 3. This is the second equation. Now you can solve the second equation. Take x, y as LCM. Here y will come, here x will come, here 1 by 3. Cross multiply, you will get 3x plus y is equal to x1. Now, one method to solve it is that x plus y value you can substitute here. X plus y is 16, so you can substitute here. So, easy method bata rahi hu, jo sabse easy hai, x, y ki value aagi 48. Theek hai? इस इक्वेशन को थर्ड ले लिया आपने. अब पुटिंग इसमें से एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लो. एक्स की वैल्यू आ गई 48 बाय वाई. पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 48 ओवर वाई इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और भी मेथड है पर जो सिंपल है वो मैं आपको बता रही हूँ. एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी. इधर 48 ओवर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 16 आ गई. अब फिर वाई एलसीएम आ गया. इधर आ गया 48 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. नाउ सी हियर 48 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 y. y स्क्वायर माइनस 16 y क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे. तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. अब देखो फैक्टर्स क्या होंगे 48 के. 12 4 जा 48 होता है और माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16 होता है. तो यहाँ पे आप ले सकते हो. जब आप प्रैक्टिस करोगे फैक्टर्स बनाने आपको खुद ही आ जाएंगे. तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज नीडेड फॉर दिस पर्पस. इन दोनों में से y कॉमन ले लिया y माइनस 12. इधर से माइनस 4 कॉमन ले लिया. इधर y माइनस 12 रह गया. तो इधर y माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ऐसे ही करते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व. y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 12. अब दो वैल्यूज हो सकते हैं. इन दोनों में से x की वैल्यू निकाल लेंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट यू विल गेट x इज इक्वल टू 16 माइनस 4. तो x इज इक्वल टू 12. तो y अगर 4 है तो x 12 आएगा. y 12 है तो x आ जाएगा. ऐसे ही इधर y की वैल्यू 12 रख दी तो x आ गया 4. सो द नंबर्स आर रिक्वायर्ड नंबर्स आर